नमस्कार, मैं वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप एसएससी एमटीएस 2023 एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चार बुक्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने इन चार बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आएंगे और आपको किसी का भी एसएससी एमटीएस 2023 के लिए किसी का भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जितना मैं आपको बता रहा हूं और किस तरीके से पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपने इतना 100% तरीके से कर लिया तो आप 100% एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आएंगे। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन एस्पिरेंट के लिए है जो सीरियस हैं, जो वाकई में सिलेक्शन यहाँ पे चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी भी बुक्स का प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ। जो मैंने चीज़ें खुद में की हैं वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जो ऑथेंटिक बुक हैं वही आपके बीच में रखूँगा और इन्हीं बुक्स को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंस समझनी होगी कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें इम्पोर्टेंस किसकी बहुत ज़्यादा है। देखो, यहाँ पे आपकी जो मेरिट बनेगी वो इंग्लिश और आपकी जीएस के बेसिस पे बनेगी। तो इस पोर्शन को आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी चीज़ नहीं बोलनी है कि मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि ढेर सारे एमटीएस 2022 में एस्पिरेंट ने गलती की। उन्होंने सेशन वन में सिर्फ ये सोचा कि 30%, 25% और 20% पे वो क्वालिफाई हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसको भी आपको पढ़ते रहना है क्योंकि इसकी भी कट ऑफ एसएससी बना सकती है, जिसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अभी आपका 2022 का रिजल्ट नहीं आया, तो आपको यही मैं एडवाइस देता हूँ कि मैथ और रीजनिंग को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या पढ़ना है। देखो, इंग्लिश के लिए बहुत कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ अगर आप उतना कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। इंग्लिश के लिए सिर्फ आपको दो बुक्स पढ़नी है। एक बुक्स ये है जो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं, ये है एमबी पब्लिकेशंस की बुक। इसमें आपको जितने भी एसएससी के आपके प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, अब तो ये अपडेटेड है, ये मेरे पास 2013 वाली 1997 से 13 तक के पेपर हैं, अब जब लेंगे तो आपको अपडेटेड मिल जाएगी। सिर्फ इस किताब को पढ़ना है। अब इस किताब को किस तरीके से पढ़ना है, और दूसरी जो किताब है वो ये है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, दिलीप कुशवाहा सर की ये बुक है, अशोक कुमार सिंह की ये बुक है। तो इस बुक को पढ़ना है। सिर्फ अगर आपने ये दो किताबें पढ़ ली तो इंग्लिश में आप पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, यहां पे इस बुक में सबसे पहले सारा कुछ दिया हुआ है, जितना भी इसमें जैसे कि जो भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडीएम एंड फ्रेजेस जितने भी हैं वो सारे यहां पर शुरुआत में दिए हैं। तो ये जितने भी ईडीएम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपकी फ्रेजल वर्ब जो दिए हैं इसको आप तैयार कर लो। उसके अलावा इसमें सबसे पहले आप क्या करो, एमटीएस वाले जितने भी सेट हैं उनको सॉल्व करो, उसके बाद सीएचएसएल वाले सॉल्व करो, और फिर अगर मौका लगे तो आप सीजीएल वाले भी कर लो। इसमें क्या है कि जैसे कोई भी सेट दिया है तो उसकी वर्ड मीनिंग पहले दी है, मतलब उसके पीछे दिए, तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग किसी भी सेट को लगाने से पहले सबसे पहले वर्ड मीनिंग याद करो, तो सेट लगाने में आपको आसानी होगी। तो इसमें सेट बाय सेट आप जो है, जैसे आपने कॉपी ले लिया उस पर 25 ऑप्शन लिख दिए, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, और बस लगा रहे हैं उस तरीके से जैसे पहले का ए वाला बी वाला, और फिर चेक कर लो। कम से कम 10-15 मिनट लगेगा, और धीरे धीरे क्या है कि आपकी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है और स्कोर है आपका वो बूस्ट होगा। अब अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसे डेवलप होगी, देखो इंग्लिश में दो ही चीज़ें, एक है आपका ग्रामर और दूसरा वोकैब है आपका। ठीक है, तो ग्रामर के लिए आप इस बुक को पढ़ो, ये बहुत अच्छी बुक है। हिंदी मीडियम वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इस बुक से काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने इंग्लिश को इम्प्रूव किया है, आप भी कर सकते हैं। ये बहुत पुरानी बुक आप देख पा रहे होंगे। इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें जैसे क्या है कि सारी चीज़ें सेलेक्टेड दी आपको। अभी तक क्या है, इंग्लिश आप पढ़ते हो तो आपको यही नहीं समझ में आता है कि एरर ये नाउन का एरर है, एडजेक्टिव का एरर है, वर्ब का एरर है, किसका एरर है। तो यहाँ पर क्या है कि सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को दिया है। जैसे नाउन है, जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल के वही रूल दिए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, और फिर आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में एरर आई हुई है वो सारी दी हुई है। तो इस तरीके से पूरा पार्ट ऑफ स्पीच सेपरेट तरीके से दे दिया है, और उनके जैसे नाउन दिया आपको तो नाउन के सेलेक्टेड रूल और उस पर एरर दे दिया, तो इसको कवर कर लिया। फिर जब आप इसको कवर कर लोगे तो पूरी जितनी भी एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें जो एरर आया है, आपका अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन आए हैं, सारे कुछ
आपको दिए हुए हैं, जैसे कि ये देखो एग्जाम सेट बाय सेट करके दे दिया है, तो अगर इतनी एरर आप बना लेते हो तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी इंग्लिश की हो जाएगी कि फिर आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, जो ग्रामर वाला सेक्शन है, ये आपका मजबूत होगा, और यहाँ से आप जो वोकैब है, जो एसएससी में वोकैब आती है, इसी बुक से आती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप एग्जाम में एक भी आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप अगर इसकी पूरी वोकैब याद कर लेते हो और एमटीएस और सीएचएसएल के सेट अगर आप सॉल्व कर लेते हो, अगर मौका लगे तो सीजीएल के भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते, देखो एमटीएस को हल्के मत लो, एमटीएस की प्रिपरेशन एमटीएस को सोच के करोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पता है कि वैकेंसी कितनी कम है, ठीक है। तो इंग्लिश सिर्फ ये दो बुक्स आपको पढ़नी है, अब ये मार्केट से आप ले सकते हो, ठीक है। जीएस के लिए अगर हम बात करें तो जीएस के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लूसेंट की किताब पढ़ो आप, ठीक है, लूसेंट की बुक पढ़ो। और यहां पे आप लूसेंट, आपके पास नॉर्मल जो बुक होगी लूसेंट की, वो सभी के पास होगी। अगर आप लूसेंट की प्रैक्टिस, जो एक उनकी इनकी जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जो बुक आती है, अगर आप ये ले सकते हो तो सो फार सो गुड होगा, क्योंकि यहां से क्या है कि ऑब्जेक्टिव बुक जो है वो बहुत अच्छी है। इससे अगर आप मतलब पढ़ते हो और सारे जो पॉइंट है अगर आप क्लियर करते हो तो आपकी जीएस की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सिर्फ जीएस के लिए दो ही बुक्स आप पढ़ो, बाकी करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। जब आपका एग्ज़ाम का एक महीना बचे तो ऑथेंटिक चैनल जो है वो मैं आपको बता दूंगा, वहाँ से आप दो साल की आप जो है करंट अफेयर्स तैयार कर लेना, आपका काम चल जाएगा। तो सिर्फ दो बुक्स यहाँ पे मैंने आपको बताई, एक एमबी बताई, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर, यहाँ पे जीएस के लिए लूसेंट और लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ये दो बुक आपको बताई। उसके अलावा मैथ्स में क्या है कि आपको मैथ्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं आपको कोई बुक नहीं रिकमेंड करूँगा। मैथ्स के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होंगे, हर चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर सारा कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा मैंने चैनल पे पोल भी कराया कि एमटीएस 2022-23 का जो एग्जाम हुआ है उसमें जितनी भी शिफ्ट हुई है उसका मैथ्स का सलूशन कराया जाए या ना कराया जाए, तो अपनी राय दीजिए, मैं जितनी भी शिफ्ट है उन सबका मैथ्स का सलूशन करा दूंगा। उसके अलावा मैं यहां पे ऑली बोर्ड का भी जो मैथ्स का सलूशन है वो आपको कराता हूं। उसके अलावा सीजीएल सीएचएसएल सबकी शिफ्ट का सलूशन मैंने करा रखा है, तो मैथ्स मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो मैथ्स जितनी मैं यहां पे करा दूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी आपको जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, जैसे जो आपके चैप्टर ठीक ठाक रहे, जैसे कि आपको ब्लड रिलेशन में दिक्कत आ रही है, क्लॉक में दिक्कत आ रही है, तो उनको पढ़ लीजिए। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी, देखो मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट अपने कवर करो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका जीके जीएस हो, मैथ रीजनिंग हो, और फिर आप प्रैक्टिस भी करो। अभी क्या है, अभी आप 1 से 2 मॉक दीजिए और फिर अभी आपका जो पूरा फोकस है वो ज़्यादा पढ़ने पे होना चाहिए। जब आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, 1-2 महीने आप अच्छे तरीके से पढ़ लो और 1-2 मॉक आप हफ्ते में दो, फिर मॉक की संख्या बढ़ाते रहना और रिवीजन अपना करते रहना। अभी क्या है कि अभी चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में टाइम नहीं है, सितंबर में आपका पेपर है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपको एमबी और मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये दो बुक अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। लूसेंट अगर आप ऑब्जेक्टिव से पढ़ते हो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा मैथ रीजनिंग जब आप मतलब मॉक लगाओगे तो उसमें ही आपकी प्रैक्टिस जाएगी। इन्हें अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस करना है, जहाँ पे दिक्कत हो रही है तो उसको बस मतलब देख लेना है, और मैथ और रीजनिंग को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो सिर्फ अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। रीजनिंग के लिए कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एमटीएस पूरे एग्जाम के लिए आपको किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं। जितनी मैंने बुक्स आपको बताई इनको बस घर पर ले आओ, आराम से पढ़ो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस से दूर हटने की जरूरत है, वैकेंसी कम है, और वैकेंसी ऐसा नहीं कि इतनी रहेंगी, वैकेंसी अभी बढ़ेंगी, ठीक है। लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि एमटीएस को सोच के अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इंग्लिश और जीएस कैसे पढ़ना वो मैंने आपको बता दिया, मैथ और रीजनिंग जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें आपका इंप्रूव हो जाएगा, बाकी मैथ्स कंप्लीट जो है वो मैं आपको इस चैनल पे करा दूंगा। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो एमटीएस का एग्ज़ाम आप 100% क्वालिफाई करके आओगे। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।